graduate. Yeah, look. Your left look. Yes. Sir. Yeah. तो यार मनोज भी नहीं आया हुआ आज. वेल आप सभी का स्वागत है होटल मिलन की टीम की तरफ से और मेरे मीडिया के दोस्तों अपने लिए तो ताली बजा ही सकते हो. इससे पहले हम ट्रेलर देखें. अक्सर मुंबई के कई इलाकों में आप देखते होंगे, चाहे यारी रोड का इलाका हो, बीच का इलाका हो, इश्क फरमाने के लिए आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं. सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता है, जुशान मैंने बोला कि मलाड बैक रोड, या फिर जब आप बेंड्रा वर्ली सीलिंग की तरफ जाते हो तो बहुत सारी बाइक्स भी खड़ी होती हैं. सो कुछ ऐसा ही इश्क फरमाया गया है होटल मिलन में. किस तरह का इश्क है और होटल से कितनी जुड़ी यादें हैं, शायद इस फिल्म का जो ट्रेलर है पहले ही फ्रेम में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये ट्रेलर आप तक क्यों पहुंचा गया है. सो बिना देरी किए दादा आइए देखते हैं फिल्म होटल मिलन का ट्रेलर. मंच पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में सोचा और इस तरह की फिल्म बनाने के लिए तैयार हुए. फिल्म के डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर विशाल मिश्रा, प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कर लें. एक माइक ले आए. विशाल, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कभी कॉफी विद डी तो डी वाले आपको फोन करते हैं, कभी पहले फ्रेम से देखें तो मुख्यमंत्री साहब ने कुछ कहा और उस कहे पर आपने कुछ जिक्र किया अपनी फिल्म के हिसाब से, तो कितना कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं जब आप सब्जेक्ट चुनते हैं? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता. मतलब दाऊद गरीब आदमी है, कराची में रह रहा है, ये कंट्रोवर्शियल नहीं, फनी है. और कामसूत्र और खजुराहो और रासलीला के देश में लड़के लड़के हाथ में पकड़ सकते हैं, ये बहुत फनी और दुखद है. इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्शियल होने की बात नहीं मेरे ख्याल से. तो जब आपने ये सब्जेक्ट लिया क्या वजह थी और किस समय आपने चुना कि बॉस ये फिल्म बनानी है? ऑब्वियसली हमें दो तीन स्क्रिप्ट हमारी तैयार थी, मतलब हरीश भाई से मिले. हरीश भाई बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, तो हरीश भाई को हमें दो तीन सब्जेक्ट्स पिच किए, बताए थे इनको भी पसंद है, पसंद है. और हमें पता था कि ये शायद कोई हिंदी बनाएगा, जैसा माहौल है अभी देश में उसको देखते हुए, सब राइटी राइट है, लेफ्ट रॉन्ग है, तो उस हिसाब से लग रहा था कि कोई बनाएगा तो है नहीं ये फिल्म. तो बट हरीश जी की कुछ मेरी तरह एक बार क्रैक होंगे, उन्होंने बोला नहीं बनाएंगे, इसको बनाते हैं. और फिर हमने दो तीन दिन काम किया, फिर कमीशन टचेस दिए और फिर ये सारी कास्ट को इकट्ठा करना, वो मेहनत या तो बस ये. तो ट्रेलर तो आपने देख लिया, मैं चाहूंगा खुद आप अपने मित्र साहब को बुलाएं. हाँ, हरीश भाई को बुलाता हूँ. प्रोड्यूसर साहब हरीश भाई, जोरदार तालियां. हरीश जी, आजकल स्टूडियो का जमाना है, बड़े बड़े लेबल आते हैं, फिल्मों को बैक करते हैं, बट कितना मुश्किल होता है इस तरह की फिल्म को इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के तौर पर बैक करना? मुश्किल तो होता है, मगर हमारा तो बरसों से मेरे पापा के टाइम से चलता है कि हम लोग इंडिविजुअली प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इसमें अपना खुद का डिसीजन रहता है कि हम जो चाहते हैं, कहीं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, तो किसी की मनमानी नहीं चलती और अपने हिसाब से अच्छी मूवी बना सकते. तो उसी तरीके की फिल्म को आपने बैक किया है. चलिए बिना देरी किए फिल्म की जो स्टार कास्ट है, बाकी स्टार कास्ट उन्हें मंच पर बुलाते हैं. सबसे पहले प्रिय दोस्त जिशान कादरी, जोरदार तालियां इनके लिए. और मालवी प्लीज स्टेज पर आए. ये चेहरा आप ध्यान रखें, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो कई बार आपको ये सोचने पर विवश कर सकती हैं. मालवी आपसे शुरू करते हैं, कैसा रहा अनुभव होटल मिलन का हिस्सा बनकर? And the best thing about this movie, I really like the subject. It's a very different subject, and I would like to thank my director for choosing me for the script, and my producer, Mr. Harish Patel. He has contributed a lot in this film, and I would like to thank all my co-actors, Dishan, Kunal, and Jaydeep, who supported me. They are such a great, great actors. They are like from theater background, so I'm like newcomer, and they supported me so much in my scripts, in my dialogue delivery and everything. So overall, it was a great experience, and I'm looking forward for the release. So thank you so much.
ऋषभ भाई, ये जिस तरीके का होटल है, कभी ऐसे होटल से वास्ता हुआ है असल जिंदगी में? यार कहाँ खेलवा रहे हो, क्या खेलवा रहे हो? नहीं, एक्चुअली कभी वास्ता नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता ही है नॉर्मली मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ वासेपुर से, वहां पर ये चीजें नहीं होती, बाकी सब हो जाता है। तो सुनता हूँ, देखता था। आप यकीन करो, जब मैं दिल्ली पहली बार गया था, तो आप सोचो कि वासेपुर से निकला हुआ एक लड़का दिल्ली पहली बार पहुंचा और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए चला गया। और कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए जैसे ही घुसा, तो मैं देख रहा हूँ एक लड़की सिगरेट पी रही है। तो आप समझ नहीं सकते मेरे अंदर में कितने थॉट चल रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ आ गया। तो उसी हिसाब से जब मैं बॉम्बे उतरा, और बॉम्बे में वही लोखंडवाला बैक रोड और मलाड बैक रोड पे जो लड़के लड़की को बाइक लगा के, और ऐसा नहीं कि एक अनगिनत, तो पहले तो लगा कि कोई जुलूस है, फिर डेली देखते देखते समझ में आया कि नहीं भाई, कुछ और ही है। तो ये सब यहाँ देखने को मिला। फिर सुनता था कि हाँ, और एंटी रोमियो स्क्वाड है, मेरठ में चुकी पढ़ाई की है तो सुना ही है, पढ़ाई कहाँ की है, घूमते ही थे रोड वोड पे, मैंने एडमिशन ले लिया था मेरठ में, तो पढ़ाई तो कभी की नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी कि यार मैं ऐसी स्क्रिप्ट में घुसूँ, थोड़ा सा पढ़ूँ, देखूँ, एक्ट करने को मिल रहा है, विशाल भाई ने मुझे चुना है, हरीश भाई का भरोसा है, तो कुछ अच्छा करते हैं इस पे। तो मुझे एक दूसरी दुनिया भी समझ में आई, जो होटल मिलिंग की दुनिया है। और मैं एक बार फिर से विशाल जी से जानना चाहूंगा कि कोई जो पार्टी है उसकी नीतियां होती हैं अलग अलग प्रदेशों में। जिस तरीके से पहले ही फ्रेम से मैंने देखा कि कहा जा रहा है कि जो मजनू पिंजरा कभी कभी बना दिया जाता है, कभी कुछ होता है, तो उन नीतियों पे भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिल्म के माध्यम से? जैसा मैंने पहले बोला कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है इस वक्त लोगों में कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी पर्टिकुलर सोच या पार्टी को सपोर्ट करना एक चीज़ है। मतलब जस्ट टू ऐड कि मेरा बैकग्राउंड, मैं कानपुर का ब्राह्मण आदमी हूँ और शायद काफ़ी मंदिर घुमा हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है, एक RSS के स्कूल में पढ़ा हूँ 12 साल, सो ठीक ठाक अथॉरिटी है इस तरह के लोगों के बारे में। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि जब आप कुछ चीज़ें देखते हो, तकरीबन 92-93 से मैं देख रहा था कानपुर में, दिल्ली में और लखनऊ में बहुत जगह, कि 14 फरवरी को ऐसा माहौल होता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कहीं पे हस्बैंड वाइफ पीटे जा रहे हैं सोच के कि वो कपल हैं, कलकत्ता में भी हुआ हाल में, इसका वीडियो भी आया था, कहीं भाई बहन पीटे जा रहे हैं गाजियाबाद में। मतलब एक ऐसा पूरा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि अगर ऐसा कुछ 14 फरवरी को हुआ, या जनरली ऑन रोड उन्होंने ऐसा कुछ देखा, तो वो होने नहीं देंगे। तो इट्स वेरी क्लोज टू समथिंग जो पिछले 700-800 साल में इस देश में जिस तरह के चीज़ें हुई हैं उसका ज़्यादा असर है, ना कि हमारी उस सनातन धर्म सभ्यता का जिसके बड़े बड़े नमूने जगहों पे हैं। मतलब ताजमहल का विरोध है लेकिन खजुराहो के लिए कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, जन्माष्टमी है लेकिन कन्हैया जी की भी सेलेक्टिव बातें हमें पसंद हैं जो हमें सूट करते हैं, और बाकी जो चीज़ें नहीं सूट करते हैं नहीं करते। कॉफी विद डी के दौरान आपको कई फोन्स भी आए अलग अलग जगहों से, चाहे तो इस फिल्म के लिए आप कितना तैयार हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी तो होनी ही है जिस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं। हाँ, कंट्रोवर्सी की तैयारी तो यार करते नहीं, उस बार की जो तैयारी थी पुलिस ने की थी, बॉम्बे पुलिस का मैं बड़ा धन्यवाद दिया, मैंने भाई 15 महीने मेरे साथ घूमे, मुझे झेलते थे किसी के डर से, और इसमें तो मामला घर गई है, तो देखते हैं। मतलब क्या बोलेंगे, पिक्चर है अच्छी है, देखो जाके आराम से, ऐसा कुछ नहीं, योगी जी भी बहुत बढ़िया आदमी है, तो ऐसी बात। चलिए, तो मेरे सवाल थे, अभी मैं अपने मीडिया के दोस्तों से चाहूंगा कोई माइक सर्कुलेट कर दे, और जितने भी सवाल हैं आप फिल्म की टीम से पूछ सकते हैं। शूट विशाल, लाइक ही सेड ऑलरेडी कि कंट्रोवर्सी तो होगी होगी फिल्म पे, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट है, सेंसर बोर्ड की तरफ से कितनी तैयारियां, क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सीन्स को लेकर। बहुत फनी चीज है, मेरी कुंडली अच्छी है कि पहली फिल्म में भी सेंसर बोर्ड ने एक भी आपत्ति नहीं की थी, जो भी आपत्ति की थी वो दुबई बोर्ड और कराची बोर्ड ने की थी, सेंसर बोर्ड ने एक भी कट नहीं दिया था मुझे, और अभी भी हमारा प्रोमो कल हो गया, यूए होके आ गया है, पर एक भी कट नहीं दिया हमें कोई भी, तो मुझे सेंसर बोर्ड से कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, मुझे लोगों को कैसे हुआ, क्योंकि वल्गैरिटी है ही नहीं फिल्म, तो कॉन्ट्रोवर्शियल तो देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम।
देखिए चार पांच लोग हैं फिल्म में, राजेश जी एक फिल्म शूट कर रहे हैं, करिश्मा को शूट कर रही है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में, जयदीप साहब अपने गांव में हैं और हरियाणा में, और हम लोग काफी ट्रेलर को पुश करते आए कि सबको लाया जाए, और हमने अभी प्रमोशन शूट किया है 7 दिन पहले जिसमें जीशान भाई जयदीप कुनाल हम सब लोग थे, तो आज वो सिर्फ वही मुहूर्त की बात है, निकालना है ट्रेलर, 20 दिन में फिल्म आ रही है और ट्रेलर भी लोग देखते हैं आजकल यूट्यूब में। हेलो सर, कांग्रेचुलेशन सर जी, हरीश जी एक ऐसे सब्जेक्ट पे आपने किया है जो आज के मॉडर्न में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होते रहते हैं, सच्चा प्यार झूठा प्यार वो सब चलते रहते हैं। मुझे खाली ये पूछ रहे हैं, एक्चुअली डायरेक्टर से पूछ, आपसे पूछ देता हूँ, ये आपने जो लिखा है खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखर न गए, ये डायरेक्टर से पूछिए। हाँ ये ये बहुत पुरानी फेमस फिल्म का गाना है, आई नो दैट। गाना बहुत पसंद था, लिख दिया हमने। अच्छा भाई, कोई मतलब नहीं है होटल में क्या और बिखरेंगे भी करते तो वही आजकल बिखरते जाते हैं खेलते कहाँ, लेकिन अनुभव भी मिलता है ना उसमें, अनुभव ऑब्वियसली मिलता है आपको भी होगा। ये होटल तो देखा है ना आपने, चादर दो बार धुलती है, दो बार सूखती है, सॉरी पहले सूखती है, यहाँ सब होता है। पर सर अगेन मैं पूछना चाहूंगा, तो इससे आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या आपका ये है कंसेप्ट के हिसाब से और क्या देना चाहते हैं यंग कपल्स को, यंग लोगों के लिए कोई मैसेज नहीं है, यंग लोग एकदम सॉर्टेड है, जो थोड़े उससे ऊपर वाले हैं ना उनके लिए मैसेज, जो शुरू में आते हैं ट्रेलर में 10-12 सेकंड बस उनके लिए मैसेज है, यंग कपल एकदम सॉर्टेड। गाना है सर, हाउ मेनी सॉन्ग्स सर? 5 गाने हैं। अच्छा हाँ, तो शान का एक गाना है, एक अर्षित सक्सेना का गाना है, बैठे हैं आपके आगे, और अच्छे गाने, 5 गाने तो अच्छे लगे। और कोई सवाल? प्रियंका को माइक दे दीजिए उधर। Hi, Vishal, my question is for you. Like you said, you know, the message is for the person who is there in the first few seconds of the clip. Yeah. So, of course, this is a direct criticism of the UP government, of, you know, of the anti-Romeo squad. Are you fearing, you know, protests or problems ahead the film's release, or maybe it there will be demands of a ban on the film? Yeah, I don't expect. I don't think they are so immature. और उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी एक कुछ 1000 नीतियाँ हो सकती हैं, हर आदमी की होती हैं, हर पॉलिटिशियन की होती है, आपने भी 1000 पॉलिटिक्स होंगी, उनमें से कोई एक चीज़ है जिससे मेजर इशू है और बस वो हाईलाइट किया जाता है, उनकी टोटैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशन को माइक दे दीजिए, बहुत देर से पूछ रहा था। आगे 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 किशन माइक ले लो, माइक ले लो। फिल्म में दिखाया गया है जो भीड़ तंत्र जो एक और एक विषय है मॉब लिंचिंग, लगातार मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, कल ही बिहार में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, विमेंस को परेड कराया गया, तो हाउ यू सी दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन इंडिया, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक इट्स कई चीज़ों का मिक्सचर है, बड़ी सीरियस बात है, उसको मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे हिसाब से यही है कि फिल्म में भी एक गुंडा जो है, मतलब नहीं वो नेता है यार, गुंडा हाँ, एक पार्टी का ही है ना, गुंडा सिमिलर ही होता है लेकिन वो जो गुंडा डिग्री है, पहले गुंडा फिर लेता। तो आप कैसे देखते हैं कि धमकाना आकर उसको आप कैसे देखते हैं? आपको पहला जो सवाल था वो तो ऑब्वियसली कि इतना बड़ा देश है और उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एकदम से ये बहुत सारा फ्री डेटा वेटा आ गया है, 3GB 4GB 5GB, तो उसको जो समझ में आता कर रहा है इसके मॉब लिंचिंग हो रही है। आई थिंक आई डोंट थिंक कंट्रीज इज स्टिल रेडी फॉर सो मच एक्सपोजर एंड यू नो यूज ऑफ कम्युनिकेशन, एक वो, और सेकेंड आपने क्या पूछा? इस फिल्म में भी दिखाया गया कि एक गुंडा है जो रोकता है, तो हाउ यू सी दिस लगातार एक धमकाना? हाँ तो मतलब स्पेशली अगर आप नॉर्थ में जाओ और यूपी दिल्ली हरियाणा या उस तरफ आप जाओगे तो वहाँ तो मतलब जहाँ पे इतना कमर्शलाइजेशन नहीं है बॉम्बे जैसा, तो आप ये पाओगे कि वहाँ पे ऑब्वियसली वो कुछ 20 लोग होते हैं जो शहर को चलाते हैं, एक सबसे बड़ा बिल्डर होता है, एक सबसे बड़ा सरिया का सप्लायर होता है, ईंटे का सप्लायर होता है, और वो सारे नेताओं को फंड करता है, जीते कोई भी उन्हीं की चलती है,
सो ऑब्वियसली वो तो हमेशा ही रहेगा, मतलब वो बहुत मुश्किल है हटाना जब तक कि पॉलिटिक्स ग्रास रूट लेवल पे बहुत क्लीन ना हो। सर आपने मुख्यमंत्री को भी दिखाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगा, बीजेपी की तरफ से भी रोका जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री को आपने स्टार्टिंग में ही टारगेट कर दिया। टारगेट नहीं है भाई, अरे हर पुलिस स्टेशन में यूपी में अभी भी गए तो यूपी में हर पुलिस स्टेशन में एक एंटी रोमियो स्क्वाड है, आपको पता है, ऑफिशियल है, और ये हुआ है पिछले 10-15 साल में ऑलमोस्ट हर पुलिस स्टेशन में उन्होंने बनाया, ठीक है। अब वो क्या करता है हमने बस वो दिखाया, कुछ ऐसा है नहीं कि बुरा तो नाम है, वही या तो वही कह रहे हैं कि है ही नहीं एंटी रोमियो स्क्वाड, परफेक्शन है, बुरा नहीं मानना। Vishal, I also have another question for you. Like you said, of course, it's based on real events. So in particular, was Jaideep's character also inspired by a real personality? Real personality, sir, if a character is inspired, then there are two people. Jaideep, you will understand. If you have to listen to me, I will tell you who it is. Yeah, listen. Listen? Okay. तो जो कुछ इस तरह के पॉलिटिशियन होते हैं जो जैसे जिनका जो लास्ट डायलॉग है मेरा फेवरेट डायलॉग है कि आज जयंती रोमियो है, कल मंदिर था, कभी कुछ था, अभी कुछ और होगा, ठीक है। तो जयदीप का कैरेक्टर आप समझ रहे, पर एक्चुअली दो लोगों का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से, एक जीशान का और एक राजेश शर्मा का, क्योंकि जीशान जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं कानपुर में, तो जीशान ने और यहाँ नहीं अच्छा जीशान ने ऐसा जब आप तुम देखेंगे तो आई डोंट नो आपने कितना प्रॉब्लम में समझ में आया होगा कि जीशान एंड और मेरे फ्रीडम है कहने के लिए बुरा नहीं मानेगा, जीशान और राजेश शर्मा बोथ आर आई थिंक दे हैव गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ देयर लाइफ, एंड दे विल सरप्राइज यू, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ गुड दे आर। थैंक यू सो मच, स्पेशली राजेश जी बिकॉज इज नॉट देयर, इज आउटस्टैंडिंग। और कोई सवाल दोस्तों के? मेरा एक सवाल है कि फिल्म का टाइटल कैसे आया विशाल, अगर आप बताएं। जो टॉपिक था जिसके ऊपर हम बना रहे थे कि एक घंटे का होटल, और ऑलरेडी मैंने चेक किया कि वो आजकल कौन सा ऐप है, ओयो, और वहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और एक कोई है रिश्ते अंकल ऐप, उस पर भी एक एक घंटे के लिए रूम मिलता है, तो हमें लगा रिश्ते अंकल ओयो तो नहीं रख सकते, बुरा ही मान जाएंगे, ओयो से बात की तो मुझे नहीं भाई ये क्या है, हमें नहीं पढ़ना है, तो फिर हमें वही मिलन रख देते हैं, मिलन मिलन है, अच्छा नाम है, अभी तो गाना अच्छा है, खेलते हैं गुलिया, आयुष जी को पुराने गाने बहुत पसंद है। विशाल कानपुर की शूटिंग के बारे में जरा बताएं, हमने कुछ तस्वीरें देखी थी कुछ समय पहले, कैसा रहा माहौल, क्या क्या? मजेदार भाई वहाँ पे, मतलब मैं पहली बार गया था कानपुर, तो मजेदार लोग हैं और मजेदार, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, मैं सही बताऊं तो जिस दिन विशाल भाई ने मुझे बुला के नरेट किया उसके चौथे या पांचवें दिन हम लोग सेट पे थे, तो बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, हालांकि यूपी ईस्ट और बिहार के लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक धागा सा है, बट जो कानपुर की लैंग्वेज है जो रहते रहते वहां पर मैंने देखी है वो यार बहुत ही अलग लेवल पे मजेदार है, मतलब ऐसा है कि यार काश मुझे 10 दिन और मिल जाता ना तो मजा आ जाता, वैसा लगा, और कानपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किया, बहुत मजा आया वहां पे, तो सही था मोटा मोटी सारा चला। हरीश जी बहुत कम दिन बचे हैं, प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है आपकी, किस तरीके से फिल्म को आप जनता तक पहुंचाएंगे? वो भी डायरेक्टर ही देखते हैं। विशाल जी आप बता दें, इस नोट पे क्लोज भी कर सकते हैं। यूजुअल है, ऑब्वियसली डिजिटल पे बहुत फोकस करेंगे, और काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियो शूट किए हैं, बड़ी इस अगर ये कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है तो वो बम जैसे वीडियोज हैं कुछ, जन्माष्टमी के ऊपर काम, खजुराहो के ऊपर जीशान ने और जयदीप ने और कुणाल ने, तो अभी आएंगे आपके सामने 8-10 दिनों में, इनके विचार आप सुन लें, वो मेरे विचार नहीं। सो फुलझड़ी ये थी मेरा भी एक सवाल है आलोक भाई आपसे या सारे मीडिया से, कि मुझे, मैं नॉर्मली जब भी जाता हूँ कहीं पे भी तो मीडिया का एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है कि सर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, अरे मैसेज लेना क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब क्या ज्ञान बांटे क्या, अभी इतने हर स्टेट के जो गवर्नमेंट है और सीएम से कम ज्ञान बांट रहे हैं जो हम भी बांटे ज्ञान, तो मेरा साफ सीधा मानना ये यार, मैं किसी थिएटर से नहीं हूँ, थोड़ी देर पहले मालवी बोल रही थी कि बड़ा मजा आया एक्टर के साथ काम करके, कि ना मैं FTII से हूँ तो मेरा, मैं ऑडियंस हूँ यार, मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ, मैं वासीपुर से उठ करके यहाँ पे फिल्म देखते देखते फिल्म में काम करने आ गया, ठीक है, दिमाग में वही था कि हीरो बनने जा रहा हूँ, और आज भी वही है, बस ये कि, और मतलब मेरा तो कहना यह, देखो पैदा तो मैं हीरो ही हूँ, पर्दे पे तुमने अब देखा तो वो लेके पैदा हुए, आप समझ रहे हो उस चीज को, तो हम जब जाते हैं फिल्म देखने
बेल्टें भी चलती थी, सब कुछ होता था, भैया मार रहता था कि टिकट चाहिए, इसकी फिल्म है, उनकी फिल्म है, तो हम मारा था कि इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जो भी वही बात हो रही थी कि टाइगर श्रॉफ घुसे हैं बागी टू में तो सीटी ताली पड़ेगी, ठीक है ना, क्रिटिक्स व्रिटिक्स निकल जाए यहाँ से, हमको अभी सुनना नहीं है। मैं और किसको चाहिए क्या, मतलब मैंने अगर आप वासीपुर से देखो तो क्या ज्ञान मिला, सही ये तो देखने वाले के ऊपर है ना सर, कि आपने गोली चलानी है फैजल की तरह, कि आपने उस दुनिया में नहीं घुसनी है। अगेन टॉकिंग अबाउट वासीपुर, वासीपुर में सिर्फ गैंगस्टर्स नहीं है, बट द फिल्म वॉज अबाउट द गैंगस्टर्स, तो मैंने गैंगस्टर वासीपुर नाम रखा। मेरे फादर है वहाँ इंजीनियर, बोरिंग लाइफ, सुबह जाते हैं शेविंग करके ऑफिस, शाम में चले आते हैं, पेपर पढ़ते, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, पिक्चर बनाऊंगा बोलोगे आप क्या बना, देखना तो सबको गैंगस्टर ही, तो उसमें क्या मैसेज दो, तो मैसेज वैसेज नहीं है फिल्म, ये भी फिल्म बहुत इंटरटेनिंग है, इंटरटेनमेंट है, मजेदार परफॉर्मेंसेज हैं, कड़क स्क्रिप्ट है, मजा आएगा देखने, मजा लेते हैं ना, तो यही मजा ले सकते हैं आप। पोस्टर पे आप देख सकते हैं कितने मजे हुए कलाकार हैं। 14 सितंबर को रिलीज होने वाली है फिल्म अभी। हाँ जी, जी हाँ, मांगी वो फिल्म में आप और करिश्मा, दिस साइड मैम, दिस इज हियर, या यू एंड करिश्मा बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दे सेड दैट व्हेन टू एक्टर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यू नो देयर इज कंपटीशन, और यू कैन सेड दैट इन सिक्योरिटी एज सच, एंड यू नो करिश्मा हैविंग द नेम फॉर यू नो सम वेरी सेंसेशनल प्रोजेक्ट्स, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का इक्वेशन था आप में और करिश्मा के बीच में? सी फॉर मी कंपटीशन इज नथिंग, आइदर यू परफॉर्म 10 मिनट्स आल्सो, अगर आप 10 मिनट का भी रोल करते हो, यू जस्ट गिव योर 100%, आई बिलीव इन दैट, and for me this is my debut in Hindi, otherwise I'm working down south and I've finished my 2 movies, one in Telugu and one in Tamil, so mujhe iska script bahut acha laga, it doesn't matter ki main ek chota role kar rahi hu ya second lead kar rahi hu ya parallel lead kar rahi hu, it doesn't matter, mujhe character bahut pasand aaya, because wo jo character hai mera Sapna ka character hai, and she is you know टिपिकल कानपुरी लड़की जैसी होती है, हर चीज में उसको इंक्विजिटिव होता है कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, एंड शी इज ऑलवेज इनटू हर बॉयफ्रेंड, मजे ले लेके वो बात करती है, अच्छा ऐसा क्यों है, अच्छा ऐसे क्यों, तो कैरेक्टर इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, सो आई एक्चुअली रिलेटेड माई सेल्फ टू द कैरेक्टर, एंड मुझे ऐसा लगा कि यस आई कैन डू दैट, but for a new actress it's important to be bold and you know sensual to it doesn't bold. It doesn't, this is a very big misconception to be bold, ek actor ko kapde utarne ki zarurat nahi apni performance dikhane ke liye, so I feel that you doesn't need to be bold to perform your performance, chaliye thank you so much, aur ek bar final taaliyan hum sun sakte hain, hamare bahut sare dost aaye hain, 14 september ko ye hotel khul raha hai, dekho ek key bhi bani hui hai yahan pe, तो ये होटल खुलेगा, आप भी इसमें आमंत्रित हैं, जरूर देखें, इतनी बेहतरीन स्टार कास्ट है, अभी फोटो ले सकते हैं, मनोज भाई आपकी आंखें देख रही हैं मुझे, जी अभी कुछ नहीं सुनेगा। चलो थैंक यू सो मच।